खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। गिरिडीह लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी जगन्नाथ महतो ने शनिवार को डीसी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी कृपानंद झा को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के दौरान महागठबंधन के कई नेता सहित उनके समर्थक मौजूद थे। उन्होंने नियमों के ध्यान में रखकर वाहन निर्धारित क्षेत्र से पहले ही छोड़ पैदल डीसी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय 3 व्यक्तियों के साथ प्रवेश कर नामांकन प्रक्रिया पूरी की। वहीं नामांकन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित बताई, कहा कि पूरी जनता मेरे साथ है। बताते चले कि इस बार लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी जगन्नाथ महतो के साथ गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और बासपा के रसूल बख्श तथा शिवसेना से सिमी महतो को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की घोषणा की गई है। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। सुनिश्चित है लड़ाई आपकी किसी है आपके सामने नॉमिनेशन तो होने की सभी कौन कौन कर रहा है? नॉमिनेशन हो जाएगा तब बताएंगे, जो फाइनल जो स्क्रूटनी हो जाएगा उस दिन बताएंगे। ये बताइए कि आप जो कर रहे हैं शेर को जंगल में रहना चाहिए। देखिए उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या है नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उपनाम क्यों दिया जाता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बुझा ही नहीं रहा क्या बोल रहा है। अच्छा ये जो मांडू विधायक जो घोषणा किया है उनके बारे मत पूछिए, कितना असर पड़े? कोई असर नहीं पड़ा उनके बारे मत पूछिए। एक चीज बताइए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शेर हैं, टाइगर हैं, और आपको जंगल में जाने की सलाह दी है, पिंजरा में बंद होने की सलाह दी है, कितना गंभीरता से इस सवाल को लेते हैं? हम जो सवाल को मतलब है माने मतलब नहीं उसके सवाल को, कुछ माने मतलब है ही नहीं उस सवाल का। जनता दे ही दो उपनाम पर कोई माने मतलब रहता है क्या? चंद्र प्रकाश जी का संदेश क्या देंगे? चुनाव मैदान आएंगे तब ना संदेश देंगे, जनता संदेश देगा उसको। आप सांसद बनने के लिए आए हैं, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे भैया को मनाने का भी प्रयास हो गया है। आप बहुत आश्वस्त थे कि जो रूठा है बोलिए आपकी ओर झुका है, लेकिन अब रूठा मान गया, कितना असर पड़ेगा आपके चुनाव पर? बोल रहे हैं ना पूरा महागठबंधन, पूरा जनता मेरे साथ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीत होगा। अकल सुदेश जो है मान गया, रविंद्र पांडे क्या बोले? अब सुदेश बाबू के बाद हम क्या बोलेंगे, कब क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं, खुद नहीं आता। उससे क्या असर पड़ेगा महान? कोई असर नहीं पड़ेगा तो मतलब आप एकदम श्योर शॉट हैं? एकदम 100%। दूसरे लोग अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, 23 तारीख को बताया जाएगा। अच्छा इस पर क्या